हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोग का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे अंकल पोजर हैंग्स अ पिक्चर, और इसके राइटर हैं जेराम के जेरोम, एंड ही इज अ वेरी गुड कॉमिक एंड ह्यूमरिस्टिक राइटर। वो जो है हास्य से भरा हुआ लेख लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं, और उनके एक फेमस लेख थ्री मैन इन अ बोट से यह पाठ लिया गया है, जिसकी यदि हम बात करें तो इसमें जो अंकल पोजर हैं उनके घर में एक नया पिक्चर आया हुआ रहता है जिसको उनको टांगना होता है दीवार पर। तो शुरू में वो बोल देते हैं कि बाकी लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको अकेले ही टांग लूंगा। लेकिन जब काम प्रारंभ करते हैं तो पूरे घर वालों को इस काम के लिए लगा देते हैं, यानी एक छोटा सा काम करने के लिए सभी लोगों को परेशान करने वाले हैं ये अंकल पूजर। और एक छोटा सा वो जो पिक्चर था, फ्रेम था, उसको लगाने के लिए घंटों लग जाता है। तो आइए पढ़ते हैं यह लेसन। अ न्यू पिक्चर वुड हैव कम एंड बी स्टैंडिंग इन द डाइनिंग रूम, पेंटिंग टू बी पुट अप, एंड आंट पोजर वुड आस्क वट वॉज टू बी डन विथ इट, एंड अंकल पोजर वुड से, ओ यू लिव इट, यू लिव दैट टू मी, डोंट यू एंड एनी ऑफ यू वरी योर सेल्फ अबाउट दैट, आई विल डू ऑल दैट। तो अ न्यू पिक्चर वुड हैव कम, एक नया पिक्चर जो है आया आ चुका होगा, एंड बी स्टैंडिंग इन द डाइनिंग रूम, और डाइनिंग रूम में जो है रखा होगा, वेटिंग टू बी पुट अप, टांगे जाने के इंतजार में। एंड आंट पोजर, एंट भी हम इसको पढ़ सकते हैं, एंट जो है अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं, आंट हम ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से बोलेंगे तो आंट बोलेंगे। तो आंट पोजर जो है वुड आस्क व्हाट वाज टू बी डन विथ इट, वह पूछती हैं कि इसका क्या करना है। तो अंकल पूजर कहते हैं, ओ यू लीव इट, यू लीव दैट टू मी, इसको तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, डोंट यू एनी ऑफ यू वरी योर सेल्फ अबाउट दैट, तुमको और नहीं बाकी परिवार वालों को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है, आई विल डू ऑल दैट, मैं जो है उसको ठीक कर दूंगा, मैं उसको लगा दूंगा। एंड देन ही वुड टेक ऑफ हिज कोट एंड बिगिन, और वह जो है अपने कोट को निकाल देता है, टेक ऑफ करता है, एंड बिगिन और प्रारंभ करता है लगाना। ही वुड सेंड द मेड आउट फॉर 6 पेनी वर्थ ऑफ नेल, वह जो है 6 पेनी देकर अपनी जो नौकरानी थी उसको नेल्स यानी कील लाने के लिए। एंड देन वन ऑफ द बॉयज आफ्टर हर टू टेल हर वॉट साइज टू गेट, और उस नौकरानी के पीछे एक बच्चे को भेज देता है कि उसको कितने कितना बड़ा जो है साइज का कील चाहिए। एंड फ्रॉम दैट ही वुड ग्रेजुअली वर्क डाउन एंड स्टार्ट द होल हाउस, उसको भेजने के बाद वह जो है सभी लोगों को, घर के जितने भी लोग थे उन सब लोगों को अलग अलग कामों में भिड़ा देता है। नाउ यू गो एंड गेट मी अ हैमर, विल विल को बोलता है कि जाओ और तुम क्या करो, एक हैमर ला के दो। वी वुड साउट एंड यू विल ब्रिंग मी द रूलर, रूल ब्रिंग मी द रूल, टॉम टॉम से कहा जाता है कि तुम जाओ और रूल ला के दो। एंड आई शैल वांट द स्टेप लेडर एंड आई हैड बेटर हैव अ किचन चेयर टू एंड जिम, वह कहता है कि आई शैल वांट द स्टेप लेडर, मुझको जो है सीढ़ी चाहिए। एंड आई हैड बेटर हैव अ किचन चेयर, किचन का जो चेयर है वह भी मुझको चाहिए। एंड जिम,
यू राउंड टू मिस्टर गूगल्स। तुम जो है दौड़ के मिस्टर गूगल के पास जाओ एंड टेल हिम, और उसको कहो डैट इज बेस्ट विशेस एंड होप्स हिज लेग इज बेटर एंड विल ही लेट हिम हैव हिज स्पिरिट लेवल फॉर द इवनिंग। और उनको जो है मेरा मेरी शुभकामनाएं देना और कहना कि आपका पैर पैर जो है अब अच्छा होगा एंड विल ही लेट हिम हैव हिज स्पिरिट लेवल फॉर द इवनिंग, और क्या जो है शाम के लिए वो अपना स्पिरिट लेवल हमको देंगे। एंड डोंट यू गो मारिया बिकॉज आई शैल वॉन्ट समबडी टू होल्ड द लाइट एंड वेन मैट कम्स बैक शी मस्ट गो आउट अगेन फॉर अ बिट ऑफ पिक्चर कॉल्ड एंड टॉम वेर इज टॉम टॉम यू कम हियर आई शैल वॉन्ट यू टू हैंड मी अप द पिक्चर। देखिए बहुत ही मजेदार स्टोरी है। अब उसने क्या किया कि अपने घर के नौकरानी को भेज दिया किल लाने के लिए, लेकिन उसको साइज नहीं बताया, तो उसके बाद जो है अपने एक लड़के के भेज देता है, फिर जो है दो लड़कों को अलग अलग काम सौंपता है। उसके बाद अब मारिया से कह रहा है कि डोंट यू गो, तुम कहीं मत जाना, बिकॉज आई शैल वॉन्ट समबडी टू होल्ड द लाइट, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई जो है यहां पर लाइट दिखाए। एंड When the maid comes back, और जब जो मैड है नौकरानी है वो आएगी वापस, she must go again, उसको और जाना पड़ेगा। किसके लिए जाना पड़ेगा? For a bit of picture cord, यानी पिक्चर को लटकाने के लिए तार की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए उसको फिर से जाना पड़ेगा। एंड टॉम वेयर इज टॉम, टॉम कहाँ है? टॉम को आवाज देता है और उनको कहता है कि यू कम हियर, तुम इधर आओ, आई शैल वॉन्ट यू टू हैंड मी अप द पिक्चर, मैं चाहता हूं कि तुम जो है पिक्चर को मुझे उठाकर दो। तो देखो एंड देन ही वुड लिफ्ट अप द पिक्चर एंड ड्रॉप इट एंड इट वुड कम आउट ऑफ द फ्रेम एंड ही वुड ट्राई टू सेव द ग्लास एंड कट हिमसेल्फ एंड देन ही वुड जंप अराउंड द रूम लुकिंग फॉर हिज हैंडकरचीफ। अब देखिए अब लड़का जो है उसको उठा कर देता है, ही वुड लिफ्ट अप द पिक्चर एंड ड्रॉप, वह जो उठाकर दिया उसको और क्या हो गया, गिर गया, चित्र जो है गिर जाता है। एंड इट वुड कम आउट ऑफ द फ्रेम, और जो पिक्चर था वो फ्रेम से बाहर आ गया। एंड ही वुड ट्राई टू सेव द ग्लास, वह जो है वह उस पिक्चर का जो ग्लास है, फ्रेम का जो ग्लास है वह ना टूटे, इसके चक्कर में क्या कर लेता है, बचाने के चक्कर में कट हिमसेल्फ, उसके हाथ में जो है चोट लग जाती है। एंड देन ही वुड जंप अराउंड द रूम, और इसके बाद जो है वह पूरे रूम में उछल कूद करने लगता है और क्या ढूंढता है, लुकिंग फॉर हिज हैंडकरचीफ, रुमाल जो है ढूंढने के लिए इधर उधर कूदता है। He would not find his handkerchief because it was in his pocket of the coat and he had taken off. And he did not know where he had put the coat. And all the house had to stop looking for all the other things he had asked for and start looking for his coat while he would dance round and get their way. तो देखो अब ही वुड नॉट फाइंड हिज हैंडकरचीफ, वह जो है अपने हैंडकरचीफ को नहीं पाता है, रुमाल को नहीं पाता है, बिकॉज ही वॉज इन ही इट वॉज इन हिज पॉकेट, क्योंकि वह जो है उसके पॉकेट में था। किसके पॉकेट में था भाई? कोट के पॉकेट में था, जिसको उसने अभी अभी उतारा था। एंड ही डिड नॉट नो वेयर ही हैड पुट द कोट, और उस कोट को कहाँ पर रख दिया ये वह भूल गया, इसलिए रुमाल को सब लोग ढूंढ रहे हैं, वह ढूंढ रहे हैं अभी। एंड ऑल द हाउस हैड टू स्टॉप लुकिंग फॉर ऑल द अदर थिंग्स, अब वो क्या कर देता है कि जिस जिस काम को दिया था उसको छोड़ो, वो बोलता है और क्या करो, ही हैड आस्क फॉर एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर हिज कोट व्हाइल ही वुड डांस अराउंड एंड गेट इन देयर वे। और अब जो है सब अपना अपना काम छोड़कर जो है उसके कोट को ढूंढने लग जाते हैं व्हाइल ही वुड डांस अराउंड एंड गेट देयर वे, सब के सब जो है इधर उधर चारों ओर जो है
नाचते रहे, ढूंढने लगे। डजंट एनीबडी इन द होल हाउस नो वेयर माई कोट इज। अब जो है वो थोड़ा सा क्रोधित होते हुए बोलता है कि इस घर में कोई नहीं है जो मेरे कोट को जो है ढूंढ सके। डजंट एनी बडी इन द हाउस होल हाउस नो वेर इज माई कोट, कहाँ है मेरा कोट जो है किसी को मालूम नहीं है। आई नेवर कम अक्रॉस सच पीपल इन ऑल माई लाइफ, अपन माई वर्ड आई डिडंट सिक्स ऑफ यू। वो कहता है कि मैं अपने पूरे जीवन में कभी ऐसे लोगों से नहीं मिला कि यहां पर 6 लोग हो और जो है मेरे रुमाल को, मेरे कोट को नहीं ढूंढ पा रहे हो। एंड यू कांट फाइंड अ कोट एंड आई पुट डाउन नॉट 5 मिनट्स अगो। वेल ऑफ ऑल द, वो बोलता है कि यू कांट फाइंड, आप लोग खोज नहीं पा रहे हो द अ कोट, एक कोट को जिसने जिसे मैंने अभी अभी 5 मिनट पहले जो है रखा है। वेल ऑफ ऑल He देन had आई हैड गेट अप एंड फाइंड दैट ही हैड बीन सिटिंग ऑन इट एंड वुड कॉल आउट, ओ यू कैन गिव इट अप, आई हैव फाउंड इट माई सेल्फ नाउ। बोल जैसे ही वह जो है उठा, देन ही हैड गेट अप, जैसे ही उठा एंड फाइंड दैट ही हैड बीन सिटिंग ऑन इट, पता चलता है कि वह जो है उस कोट के ऊपर ही बैठा हुआ था। एंड वुड कॉल आउट, वो सब लोगों को बोलता है ओ यू कैन गिव इट अप, अब आप लोग छोड़ दो, आई हैव फाउंड इट माई सेल्फ नाउ, क्योंकि यह जो है मुझको मिल गया। आई माइट जस्ट एज वेल आस्क द कैट टू फाइंड एनीथिंग एज एक्सपेक्ट यू पीपल टू फाइंड इट। और बोलता है कि अच्छा होता कि मैं तुम लोगों से कुछ खोजने की उम्मीद छोड़कर अपनी बिल्ली को बोलता ढूंढने के लिए। उन लोगों को परेशान कर दिया। अब क्या बोलता है कि अच्छा होता कि मैं आस्क द कैट टू फाइंड एनीथिंग एज एक्सपेक्ट यू पीपल टू फाइंड इट। एंड व्हेन हाफ एन आवर हैड बीन स्पेंट इन टाइंग समथिंग राउंड हिज फिंगर एंड अ न्यू ग्लास हैड बीन गॉट एंड द स्टेप लेडर एंड द चेयर एंड द लाइट हैड बीन ब्रॉट, ही वुड ट्राई अगेन। द होल फैमिली इंक्लूडिंग द मैड एंड द चाउमैन स्टैंडिंग राउंड इन अ सेमी सर्कल रेडी टू हेल्प। अब जो है एंड वेन हाफ एन आवर हैड बीन स्पेंट, लगभग आधा घंटा जो है बीत गया टाइंग समथिंग राउंड हिज फिंगर, उसके उंगली में जो है पट्टी बांधने के लिए एंड अ न्यू ग्लास, नया ग्लास ढूंढने के लिए एंड अ स्टेप लेडर, सीढ़ी, अ चेयर, कुर्सी एंड लाइट, ये सब चीज़ों को लाया गया। हैड बीन ब्रॉट, ही वुड ट्राई अगेन। अब जो है वह फिर से कोशिश करना जो है शुरू किया। द होल फैमिली इंक्लूडिंग द मैड एंड द चौमैन, जो पूरी फैमिली, वो जो नौकरानी थी मैड, वो चौमैन का मतलब होता है कि दैनिक मजदूरी पर काम करने वाली, सभी के सभी क्या थे, स्टैंडिंग अराउंड इन अ सेमी सर्कल, एक अर्धचंद्राकार गोला बनाकर जो है वो खड़े हो गए रेडी टू हेल्प, सब लोग जो है सहायता करने के लिए। तो देखो ये सब एक छोटा सा पिक्चर को टांगना है उसके लिए पूरे फैमिली को बिजी कर दिया और घंटों लग रहे हैं। टू पीपल वुड हैव टू होल्ड द चेयर एंड द थर्ड वुड हेल्प हिम टू गेट अप ऑन इट एंड होल्ड हिम देयर एंड अ फोर्थ वुड हैंड हिम अ नेल एंड फिफ्थ वुड गिव हिम द हैमर एंड ही वुड टेक द नेल इन हिज हैंड एंड ड्रॉप इट। अब देखो बताता है कि टू पीपल वुड हैव टू होल्ड द चेयर, दो लोग क्या करेंगे चेयर को पकड़ेंगे एंड द थर्ड वुड हेल्प हिम टू गेट अप ऑन इट
और जो तीसरा व्यक्ति है वह जो है क्या करेगा, गेट अप ऑन, खड़े रहने में मदद करेगा, एंड होल्ड हिम देयर, और वहां पर जो है उसको पकड़ेगा, सहारा देगा। एंड द फोर्थ वुड हैंड हिम अ नेल, और चौथा व्यक्ति जो है नेल को देगा, कील को देगा। एंड फिफ्थ वुड गिव हिम द हैमर, पांचवा जो है उसको हथौड़ी देगा। एंड ही वुड टेक द नेल इन हिज हैंड एंड ड्रॉप इट, और इतना सब होने के बाद जो है वह क्या करता है, जैसे ही कील को अपने हाथ में लिया वह उसको गिरा देता है। देयर ही वुड से इन एन एंग्री वॉइस, नाउ द नेल हैज गॉन, अब वो जो है गुस्सा होते हुए बोलता है कि अरे अब कील गिर गया। एंड वी वुड ऑल हैव टू गो डाउन ऑन आवर नीज एंड लुक फॉर इट, वाइल ही वुड स्टैंड ऑन द चेयर एंड वॉन्ट टू नो इफ ही वॉज टू बी केप्ट देयर ऑल द इवनिंग। और हम सभी लोग जो है नीचे घुटने के बल बैठकर कील को ढूंढने लगे, और वे कुर्सी पर खड़े रहे और जानना चाह रहे थे कि क्या वे शाम तक इसी कुर्सी पर खड़े रहेंगे। द नेल वुड बी फाउंड एट लास्ट, बट बाई द दैट टाइम ही वुड हैव लॉस्ट द हैमर, अब जो है किसी तरह से जो है वो कील मिल जाता है, बट दैट टाइम ही वुड हैव लॉस्ट द हैमर, अब इस समय वो क्या हो गए कि हथौड़ी को उन्होंने जो है घुमा दिया। वेयर इज द हैमर, व्हाट डिड आई डू विद द हैमर, बोलता है कि हैमर कहाँ है, हथौड़ी कहाँ है, मैंने हथौड़ी का क्या किया, व्हाट डिड आई डू, मैंने क्या किया। सेवन ऑफ यू स्टैंडिंग ऑल अराउंड मी एंड यू डोंट नो व्हाट डिड आई विद द हैमर, बोलता है कि सात लोग मेरे आसपास खड़े हो और तुम लोगों को मालूम नहीं कि मैंने हथौड़ी का क्या किया। तो वो लोगों को क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है। यू वुड फाइंड द हैमर फॉर हिम एंड देन ही वुड हैव लॉस्ट साइट ऑफ द मार्क ही हैड मेड ऑन द वॉल वेयर द नेल वॉज टू गो इन, एंड ईच ऑफ अस हैड टू गॉट अप ऑन द चेयर बिसाइड हिम एंड सी इफ वी कुड फाइंड इट। अब देखिए हथौड़ा, उसको जो है कील मिल गया, हथौड़ी भी जो है उसके हाथों में है, अब क्या हो गया, ही वुड हैव लॉस्ट द साइट, वह जो है उस जगह को भूल गया, यानी जहां पर वो मार्क लगाया था, निशान लगाया था, उसको वह अब जो है भूल जाता है। हैव लॉस्ट साइट ऑफ द मार्क ही हैड मेड ऑन द वॉल, जो उसने दीवार पर निशान लगाया था, वेयर द नेल वॉज टू गो इन, जहां पर कील को लगाया जाना था। एंड ईच ऑफ अस हैड टू गेट अप ऑन द चेयर, और सभी के सभी लोगों को कुर्सी पर खड़े होना पड़ा, बिसाइड हिम उनके बगल में, एंड सी इफ वी कुड फाइंड इट, और जो है और ढूंढने लगे कि हम लोगों को दिख जाए करके, सभी के सभी जो है वहां पर खड़े होकर कील को ढूंढने लगे। एंड वी वुड ईच डिस्कवर इट इन डिफरेंट प्लेस, और सभी के सभी जो है अलग अलग जगहों पर निशान पाए। एंड ही वुड कॉल अस ऑल फूल्स, और उसने जो है सब लोगों को मूर्ख करके जो है कहा, वन आफ्टर अनदर एंड टेल अस टू गेट डाउन, और जो है सभी लोगों को एक एक करके नीचे उतरने के लिए उन्होंने कह दिया, सब लोगों को जो है नीचे उतरने कहा। एंड ही वुड टेक द रूल एंड मिजर अगेन, उसने जो है स्केल को लिया और फिर से जो है माप करने लगा। एंड फाइंड दैट ही वांटेड हाफ ऑफ 31 एंड 3/8 इंच फ्रॉम द कॉर्नर, और जो है फिर माप लेने पर उनको पता किया कि कोने से 33 का आधा, हाफ ऑफ द 31 एंड 38 इंचेस फ्रॉम द कॉर्नर, और कॉर्नर से जो है 3/8 इंचेस, 3/8 इंच होना चाहिए,
एंड वुड ट्राई टू डू इट इन हिज हेड एंड गो मैड, करने की कोशिश करने लगे, इट इन हिज हेड एंड गो मैड, और पागल हो गए. एंड ही वुड ऑल ट्राई टू डू इट इन आवर हेड्स एंड ऑल गेट डिफरेंट रिजल्ट्स. अब हम सभी लोग अपने मस्तिष्क से सोचने की कोशिश किए और भिन्न परिणाम आया. एंड इन द नॉइस दैट वॉज बींग मेड बाई एवरीबडी द ओरिजिनल नंबर वुड बी फॉरगॉटन एंड अंकल बूजर वुड हैव टू मेजर इट अगेन. और एक स्वर में सभी का आवाज आया कि वह संख्या भूल गए और अंकल पोजर को फिर से माप लेना होगा. यानी तमाशा चल रहा है यहां पर. ही वुड यूज अ बिट ऑफ स्ट्रिंग दिस टाइम एंड एट द क्रिटिकल मोमेंट व्हेन द ओल्ड फूल वाज ट्राइंग टू रीच अ स्पॉट 3 इंच बियॉन्ड वट वॉज पॉसिबल फॉर हिम रीच, द स्ट्रिंग वुड स्लिप एंड डाउन ही वुड फॉल ऑन टू द पियानो, अ रियली फाइन म्यूजिक इफेक्ट बींग प्रोड्यूस्ड वेन हिज हेड एंड बॉडी सडनली स्ट्रक ऑल द नोट्स ऑफ द सेम टाइम. ही वुड यूज अ बिट ऑफ स्ट्रिंग दिस टाइम. इस बार उन्होंने क्या किया, माप लेने के लिए धागे का उपयोग किया, स्ट्रिंग का उपयोग किया. एंड एट द क्रिटिकल मोमेंट, इस निर्णायक क्षण में, व्हेन द ओल्ड फूल वाज ट्राइंग टू रीच अ स्पॉट 3 इंचेस बियॉन्ड व्हाट वाज पॉसिबल फॉर हिम रीच, ही द स्ट्रिंग वुड स्लिप. और जब वह बूढ़ा मूर्ख उस स्थान के 3 इंच आगे की ओर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, वह धागा हाथ से छूट गया. एंड डाउन ही वुड फॉल ऑन द पियानो, और वह जो है पियानो पर गिर गए. और रियली फाइन म्यूजिक इफेक्ट बीइंग प्रोड्यूस्ड, और जब वो टकराए तो उनसे जो है एक बहुत ही अच्छा आवाज जो है पियानो से आया. व्हेन हिज हेड एंड बॉडी सडनली स्ट्रक ऑल नोट्स एट द सेम टाइम, वो जब गिरे तो जो पियानो था उसके नोट्स पर टकराने की वजह से वहां पर कुछ संगीत के नोट्स जो है बजने लगे. एंड आंट मैरियो वुड से दैट शी वुड नॉट अलाउ द चिल्ड्रन टू स्टैंड राउंड एंड हियर सच लैंग्वेज. अब जो आंट मारियो थी, मारिया थी, उन्होंने कहा कि वह बच्चों को उनके पास ऐसी भाषा को सुनने के लिए नहीं रहने देगी. क्यों? क्योंकि एंड जो अंकल पुजर थे वो थोड़े बौर आ गए थे, है ना, उनका काम नहीं हो रहा था. एट लास्ट अंकल पुजर वुड फाइंड द स्पॉट अगेन एंड पुट द पॉइंट ऑफ द नेल ऑन इट विथ हिज लेफ्ट हैंड एंड टेक द हैमर इन हिज राइट हैंड. अब जो है अंत में क्या हुआ कि अंकल पुजर को वह स्थान मिल गया और उस स्थान पर बाएं हाथ से कील को लगाया और दाहिने हाथ में हथौड़े को लिया. और एंड एट द फर्स्ट अटेम्प्ट ही वुड स्ट्राइक हिज थंब, और पहले प्रयास में उन्होंने किसको ठोक दिया, अपने थंब को, अपने थंब पर ही जो है ठोकर मार दिया. एंड ड्रॉप द हैमर, और फिर से अपने हथौड़े को गिरा दिया विथ अ लाउड क्राई ऑन सम बडीज टो. और हैमर जब गिरा तो जोर से आवाज आई कि किसी के पैर के अंगूठे को जो है चोट लग गई थी उस समय. अब आंट मारिया वुड से क्वाइटली दैट नेक्स्ट टाइम अंकल पुजर वॉज गोइंग टू हैमर अ नेल इन टू द वॉल, शी होप्ड ही हैड लेट हर नो इन टाइम सो दैट शी कुड मेक अरेंजमेंट्स टू गो एंड स्पेंड अ वीक विथ हर मदर वाइल इट वॉज बींग डन. अब जो
आंट मारिया थी उसने धीरे से कहा कि अगली बार वो अंकल पोजर दीवार पर कील ठोकेंगे तो वो पहले से किसी इसकी जानकारी दे देंगे ताकि वह क्या करे, एक हफ्ते के लिए अपनी माँ के यहाँ चली जाए जब तक कि उसका काम हो न जाए। जब तक काम नहीं होता है तब तक वह अपने माँ के पास चली जाएगी। तो इस प्रकार ये लिया गया है, थ्री मैन इन अ बोट, रिटन बाय जेरोम के जेरोम। तो ये एक कॉमिक स्टोरी थी, यहाँ पर समाप्त होता है। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।